चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएंगे। लेकिन किसे जरूर है आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहते, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। अब ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोर उचक्का हो और चाहे वो सरुद है, वो सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है वो लुप्त है, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई तब तक उसको कौन लुट सकता है। इसमें पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुट सकता है। और उससे चाला की और उसे दिमागी दिमाग खट जाते हैं बहुत सारे। एक तो अहंकार भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहाँ आओ ध्यान में, मैं इसके बड़े घर से बोलूँ, मैं वहाँ कहाँ जाके बैठूँगी जमीन पर, वहाँ तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं, आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं, कल क्या किया। और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला तो आज जमीन पर ही बैठ कर के अगर आनंद मिलता है तो फिर स्वीकार्य करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप फंस आइए। भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है उसको पता नहीं रहता अहंकार का। उसको बोले जमीन से बजाए ना बजाए, उसको बोले यहाँ बैठ जा बजाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रेला जी से थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने के लिए। माता जी की चीज़ पकड़, छोटी सी चीज़ में लोगों का अहंकार दिख जाए। जैसे अभी वो ट्रेन में बैठते बैठे एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे दूसरा उधर बैठ जाए, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। आज सभी लोग करीबन पार हैं, ये साथ दो लोगों का कुछ कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला, जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, इस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचाना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली कट चुकी है, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे है, फिर ये जो चक्र है ये विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका अर्हत चक्र जो सबसे छोटी हुई है अनु, क्योंकि नाजुक है ना और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है, श्री शंकर सबसे भोले, उसमें हृदय ही है, हृदय बिल्कुल भोला भाला है। मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे मुझे सताने के लिए, लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण, ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो बीवी को ले गए, लेकिन बच गई ना उनकी बीवी तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते हैं उससे लूप खोल जरूर बच जाता है, तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं उन्होंने वरदान दिया हुआ था, उसमें पकड़ आ गई मारे, रावण को वरदान दिया मारे, कंस को वरदान दिया था मारे गए, नरकासुर महिषासुर सब मारे गए वरदान दिए हुए, उनके वरदान के लूप होल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान। और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसे इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता शंकर जी और विष्णु जी का, बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं, इसे निकाल दो हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो मुँह तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो आप फौरन माता जी हमारा हटाओ निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा।
क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता छूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं है, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है, हम तो अविनाशी निष्कलंक असंग में खड़े हुए, हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल दे। अगर हमारे यहाँ सुई सुगी तो क्या यह जिस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दो। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा, ये भोले पड़े। कोई अपना दोष बताता है किसी से? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा पिक्चर पकड़ गया, अभी भी सबसे बताते मेरा पिक्चर पकड़ गया, पकड़ जाता है दिमाग, बौखला जाता है। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो, ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते, जिससे हम तादाद में पा रहे थे, लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी निष्कलंक, उससे कलंक नहीं, वो सर्वशक्तिमान निर्भयता में ज्ञान पूर्ण प्रेममय सुंदर खड़ा है। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाए, कभी नहीं करने वाला आदमी जो कुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। ऐसी छोटी छोटी चीज पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है, क्योंकि आपने मुझे देखा है, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दुखाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ़ सोचता हूँ, मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आए कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, कोई आए इसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ और कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ, लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया, लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते, अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे तो उसको मैंने अपने जी से लगा लिया, वो भी आदमी है बहुत चक्कर आ गए थी इस औरत में क्या है एकदम से ऊपर, वो रोने लग गए यहाँ पर सरस के पिता रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चला के ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे कहने लोग क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी, किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं, कोई कुछ भी बकता रहे बकने से कोई बदलता, जो आप है वो आप ही हैं, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरते, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें, अपने ही साथ हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम, देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करें, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ, वाह अरे क्या कहूँ, असली ठगू हूँ मैं अपने को ठग रहा हूँ। जो बच्चों जैसे और अपना मन भी बच्चों जैसा ताज़ा है, इससे सहज योग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता रहेगा। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से, अब मेरे दो बच्चे हैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं, रोज़ घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का मंग था, पूजा में भी जाने का, मुझे लगता कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर यह चिंतन का रोज़ सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल, रोज़ सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रखते और सर लगा करके आधा घंटा में, कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर, वो पिए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैर, और आके पड़े हैं फिर कहेंगे अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी करते, कुंडलिनी पर पैर रखते, और छोटी वाली जैसे ही उनके हम हाथ रखेंगे कभी यूँ कभी यूँ।
अभी उस दिन अपनी कभी हूँ, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो बड़ी वाली के, और उनको लगन है नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ क्रिया दो जिसकी माँ चल जाए तो बोलता है, ऐसे ही वो है। कहने से नहीं होगा, मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो शराब पियो, ऐसे नहीं होगा। और शराब तो मुंह में लग जाएगी लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला, ध्यान मुंह में नहीं लगने वाला आसानी से, शराब लग जाएगी। ध्यान मुंह में जब लग जाएगा तब फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इच्छा बहुत ज़रूरी है, आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा मिली जाती मानी जाती, उसका बड़ा मान है, और इसीलिए आपको इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तेरी लगन लगे, तेरी बस तेरी लगे, बस तेरी ही अंदर में समा बस जो अपनी। जैसे जैसे आदमी ये कहता जाएगा ये सब कैसा जाएगा, धीरे 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 यही भक्ति है, अब यही भक्ति है उतरता जाएगा अपने ही अंदर, अपनी ही गहराई में, अपनी ही सुंदरता में चलता जाएगा, और उस सुंदरता का जो ऊपर से भाव अंदर से जो उसका सुनना और उसका प्रकाश, उसको बड़ा सारा 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 संसार के जितना भी दिखे और उसकी जो आधार है उसको भूल जाए। कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए, एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट, अपने मन को एकदम लाइट कर, छोटे बच्चे को ऐसे हल्के दीजिए, अभी इधर एरोप्लेन आया उधर देखेंगे, जिधर आया उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज़ को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुंदर का पानी आता है दो बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसके बाद सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौटते हैं। कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़, कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, ना ही उसको कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसे बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला सीधा सादा सरल आदमी होता है, और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं बड़े विद्वान वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है कि इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आस्तिकता, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया है वो परमात्मा के पास, और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर उतर। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुद्धों की कंपनी मत रहते, मैंने हमारे यहाँ कोई कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें, जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या किसे चला सकते, उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं है तो किससे जाना। आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य, लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए, मुझे क्या रिलेटिवली सब चीज चलती है, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज के साथ जोड़ के चलती है, ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो नहीं बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊँगा ध्यान, गए आप काम, मैं लड़की की शादी हो गई करी ना आपका ठीक है, हम फिर भी भाषा बोल गए, ना शादी होगी ना आप आएंगे, वो तो कहते हैं ना सौमन तेल हुई है ना राधा नसी है, वो बात ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं करता।
ये हो तो वो हो तो वो, इससे क्या मतलब है? तो है इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का है इसी वक्त है, हर क्षण पाने हर मिनट पाने का, और जो सीधा भोला भाला आदमी हर क्षण उसके अंदर से तुरंत बैठी रहे उसके भोले पर, ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं दो चार रुपया निकाल लें, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहावनी है, बड़ी मजार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।